हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन की ब्राइटनेस जो है वो ऑटोमेटिक लो हो जाती है ना बार बार, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर ये ऑप्शन मिलता है अडेप्टिव ब्राइटनेस, इसे टैप करना है। अब देखिए, अडेप्टिव ब्राइटनेस के सामने मेरे फोन में बटन ऑफ है, अगर आपके फोन में ये बटन ऑन है ना तो इसे ऑफ करके रखना है, इससे ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट। ठीक है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।